हुकुम कीजिए बाप, क्या सेवा करूं? फैक्ट्री में हड़ताल करवानी है या हड़ताल तोड़वानी है? नहीं, आज किसी और काम से आया हूं। अच्छा, काम खुला है या पर्दे वाला? पर्दे वाला ही समझो। अच्छा बेटा जी, काम कीजिए, जाइए आप जरा बाहर खुली हवा में घूम के आइए। हाँ एक मिनट है बाप। वेल जी भाई, जय बाबा, चला रहा हूं। अच्छा बहुत अच्छे। हाँ अच्छा ठीक है, जय बाबा, चला रहा हूं। हिंदुस्तान की जनता भी कमाल है। कल मैच में सचिन तेंदुलकर ने पहले बॉल में चौका मारा, दूसरे बॉल में छक्का। हमने आज ओपन टू क्लोज मटके में खोल दिया, चौके से छक्का, लोगों का बेड़ा कर। रॉन्ग नंबर है। जय बापा, चला रहा हूं, बाद में फोन कर रहा हूं। हुकम करो बाप। एक पंछी अपने पिंजरे से फरार हो गया है, उसकी तलाश है मुझे। नाम? बिरजू। बिरजू, पहली बार सुना मैंने ये नाम। कुछ याद आया? कहीं सुना तो है। गजब। वेल जी भाई, मुझे इस आदमी की तलाश है, ये आदमी चाहिए मुझे। 50,000 मंजूर है 24 घंटे के अंदर। स्पीड पोस्ट में चाहिए तो 2 पेटी, वो भी मंजूर है। ये एडवांस रखिए, पंछी को पिंजरे में बंद करके लाइए, बाकी रकम ले लीजिए। जय बापा जलाराम, सबको रास्ता दिखा रहा। फिर जो तुम ये पिस्तौल मेरी गर्दन पर क्यों? सॉरी सर, दरअसल ये पिस्तौल मेरे हाथ का एक हिस्सा बन चुकी है, इसलिए आदत से मजबूर होकर हाथ के बजाय ये पिस्तौल आगे बढ़ा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? यहाँ नहीं आओ तो कहाँ जाऊँ भाई? वहीं जहाँ तुम रतन सिंह को छोड़ छाड़ कर भाग गए थे। लड़ी हेल, मैंने तुम्हें रतन सिंह की निगरानी के लिए रखा था और तुम उसे छोड़कर पुलिस के हवाले करके भाग गए। और नहीं तो क्या करता, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता। नरेश बाबू, अगर मैं पकड़ा जाता तो आप क्या जिंदा बचते? आपको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपने जान की बाजी लगा दी। उसकी कीमत तुम्हें अदा हो चुकी है। अरे जितनी कीमत आप दे रहे हो उतनी काफी नहीं है, और चाहिए मुझे। और कितनी? 5 लाख। 5 लाख? इतने किस लिए? इसलिए कि नकली पासपोर्ट और नकली वीजा के लिए असली नोटों की जरूरत होती है। ये है मेरी बहन का पता, कल शाम तक रुपए वहां पहुंच जाने चाहिए, समझे? बाय बाय नरेश बाबू। छिलांगा मार दी अलसी लालो जी। इलायची डाली तूने? आओ जी। और जाफरानी पत्ती? बिल्कुल जी, कोट कोट के बनाई है। मगर खुशबू तो आ नहीं रही। जी पियेंगे तभी तो आएगी ना खुशबू। वीर जी पी के तो देखो। हाँ हाँ, पहले सनी को बुला। ना जी, पहले आप पियो। अरे पहले सनी को दे। मैं कह जी पहले आप पियो जी। ओ चुप कर, ऐसे ही अपनी गड्डी गेयर में पाता रहता है। बोला ना पहले सनी को दे। ओ सनी पुत्र, बोलिए वीर जी। इधर आ, ये ले लस्सी पी। ओ ना ना ना, मैं लस्सी वस्सी नहीं पीऊँ। ओ पीले पुत्र, मंजले ने बड़ी घोट घोट के मेहनत और मशक्कत से बनाई है ये लस्सी। ओ मशक्कत लफ्ज का इस्तेमाल मत करो वीर जी। क्यों? ओ जेल के डंडे सोटों की याद आ जाती है मुझे। तू अब तक नहीं भूला उसको? जी। अरे उस बात को बीते तो जमाना बीत गया, अब क्यों याद करता है उसको? जावीरा सिंह। ओ लो जी, बहुत ही पैड़ा वक्त है जी, बहुत ही पैड़ा वेला है। यमदूतों को याद किया और यमदूत हाजिर। ओ तू ऐसे ही घबराता रहता है, कोई बात नहीं है, लो दारोगा जी लस्सी पियो। नहीं जावीरा सिंह, हम वर्दी में है ना, इसलिए तुम्हारी लस्सी वस्सी पी नहीं सकते। मैं समझ गया जी, क्यों लस्सी इनकी वर्दी पर ना गिर जाए इसलिए। ओए तो चुप करो, अपनी गड्डी गेयर में पाता रहता है, देखता नहीं दरोगा जी से बात कर रहा है। दरोगा जी, आप हमारी लस्सी क्यों नहीं पी सकते? वो क्या है ना, जिसे हम गिरफ्तार करने आए हो उसके हाथ से कुछ नहीं पी सकते। गिरफ्तार करने? हाँ। लेकिन किसे? तुम्हें और तुम्हारे भाई
वीर सिंह को। ओके हो इंस्पेक्टर साहब, आप कौन सी खता हो गई हमसे? कैलाश नाथ मल्होत्रा का खून। लेकिन इस खून से हमारा क्या संबंध? क्यों, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी ना? दी थी। उनके बंगले पर जाकर झगड़ा फसाद किया था ना? किया था, बस इसीलिए। लेकिन उस केस का फैसला तो हो चुका है, हमें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उनके खून के बाद मुकदमा दोबारा शुरू हुआ है और तुम्हारी जमानत रद्द कर दी गई, इसलिए मेरे साथ चलो। मैं नहीं चलना जी। हवलदार, ले चलो इसे हवालात पे। ओ जी कमाल है, आप लोगों को आदत हो गया मैं हवालात में रहने की। लस्सी तो पी लो। हां हवालात में पिलाएंगे, ले चलो। ओ जी कमाल है वीर जी, बचा लो। आओ जल्दी रसिन, चलो। ये क्या तरीका हुआ यार, बार बार अरेस्ट करके ले जाते हैं इनको। यू शुड टॉक टू पिंकी अबाउट दिस। पिंकी से नहीं वीनू, अब मुझे उसके डैडी से बात करनी है। सर अशोक मल्होत्रा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? किसकी इजाजत से तुम यहाँ आए हो? आप लोग तो बेधड़क जब चाहे हमारे घर पुलिस रवाना कर देते हो, और मैं यहाँ आने से पहले इजाजत लेकर आऊँ? किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो हमसे? हम कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहे, कोई बदला नहीं ले रहे। पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस जो कुछ भी कर रही है वो आपके कहने पर कर रही है। मेरे भाई तो बेकसूर है, वो किसी का खून नहीं कर सकते। झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है उन पर। ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? जाके अपने वकील से कहो कि अदालत में जाके अपने आप को बेकसूर साबित करे। और सुनो, इंसाफ के लिए मेरा दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने तो हमेशा ही मेरे साथ नाइंसाफी की है। पिंकी को मुझसे अलग किया, मेरे भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाया। लेकिन याद रखना, यू विल पे फॉर दिस। डेफिनेटली यू ऑल आर गोना पे फॉर दिस मिस्टर अशोक मल्होत्रा। क्या चाहिए, देसी या अंग्रेजी? इस जगह का पता बताने वाले ने ये नहीं बताया कि यहाँ हर किस्म की शराब मिलती है। आप बोलिए तो सेठ, या स्कॉच से लेके पास्कल की भट्टी का माल भी मिलेगा, क्या लाऊं? वही जो बिरजू पीता है। पैसे निकाल, अभी निकाल, चटपट। हाँ तो सेठ, क्या मंगाऊ? बिरजू। कौन बिरजू? तुम बिरजू को नहीं जानती? मैं किसी बिरजू बिरजू को नहीं जानती। तब तो शायद मैं गलत जगह पर आ गया। ठीक है, चलता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बिरजू का दोस्त हूँ, उसका मैसेज लाया हूँ। कितने का मैसेज है? तुम बिरजू की बहन हो ना, मैसेज की रकम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। 5 पेटी। पांचों पेटी इसी पेटी में बंद है, लेकिन मैसेज आज ही बिरजू तक पहुंच जाना चाहिए। ओके? लगता है आज बिरजू ने काफी लंबा हाथ मारा है। अशोक भैया, मुझे ऐसा लगता है कि सनी ठीक कह रहा था कि उसके भाइयों का इस मामले से कोई संबंध नहीं, इसलिए उनके खिलाफ जो हमने कंप्लेंट कराई थी मुझे लगता है वापस ले लेनी चाहिए। दिव्यानी, ये सच है कि घियों के साथ घुन भी पिस जाता है। हो सकता है कि वो बेकसूर हो, लेकिन ये खून का मुकदमा है, और खून के मुकदमे में अक्सर ये देखा जाता है कि जिस पर शक ना हो वही कातिल निकलता है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसे करने दो। क्या खाक कार्रवाई कर रही है? अब तक बिरजू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उन्हें। इसका एक और हल मैंने सोचा है। क्या? अखबारों में हम अपनी तरफ से एक इश्तहार छापेंगे, जो बिरजू का पता बताएगा उसे 1,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा। I think that's a very good idea. What nonsense, Devyani. अपने हाथों अपना मजाक उड़ाने वाली बात है ये। कोशिश करने में क्या हर्ज है? गलत दिशा में कोशिश करोगे तो कातिल और चौकन्ना हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि कातिल घबराहट में आकर खुद कोई गलत कदम उठा ले। मुझे तो लगता है कल ही अखबारों में बिरजू की फोटो छप जानी चाहिए। खान, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जाओ और बिरजू की एक फोटो लेके आओ। जी। सरकार देखो,
ही दाढ़ी वाली फोटो छपी, वही आंखें, वही चौकटा, वही खतरनाक निगाहें। इसको तो मैंने नरेश बाबू के साथ देखा था साहब। क्या बक रहे हो, ये बिरजू है। बिरजू का नरेश से क्या काम? अरे साहिबा, उस दिन मिलने आया था जीप में बैठ के नरेश बाबू से, फूं करके। कैलाश नाथ के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को बिरजू की तलाश है, और बिरजू की वाकफियत नरेश पे। कि माजरा क्या है गुल्लू जानी? साहिबा, पहेलियां बूझने के मामले में गुल्लू जानी का हाथ जरा तंग। गुल्लू जानी सिर्फ एक ही बात जानता है, जैसा आदमी वैसी सोबत। और साहिबा, बिरजू जैसे मुजरिम की जान पहचान नरेश जैसे कमीने आदमी से ही हो सकती है। अरे गुल्लू जाने नहीं, हमें तो इस जान पहचान से कुछ और ही बू आ रही है। वो क्या? फिजाओं में बसी साजिश की बू। जब घने बादल टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, और जब बिजली गिरती है तो बड़े बड़े तनावर दरख्त भी जल के राख हो जाते हैं। ऐसी एक बिजली कैलाश नाथ पर भी गिरी है, और वो जल के खत्म हो गया। अब ये बिजली किसने गिराई है ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, हाँ। और बैंगलोर में वो मेफ्लावर का जॉकी है बद्रुद्दीन, उसको हमारी तरफ से एक विनती कर देना। अगर मेफ्लावर रेस में जीता तो बद्रुद्दीन की और घोड़े की दोनों की टांग तोड़ देंगे। ठीक है, जय पापा चल रहा। वेल जी भाई, जय पापा चल रहा। हाँ, सारे पैसे लंगड़े पे घुमा देना। ठीक है, हाँ। और कलेजी भाई को बोलो मुझे फोन कर। अच्छो 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 अच्छो, ठीक है, हाँ, बाद में फोन कर लेना। अच्छो बा अच्छो, हटावे हटावे। ये क्या काम अभी तक हुआ नहीं और बाकी के पैसे ले आए? नहीं, वो क्या है कि मुझे लगा कि पहले पैसे कम पड़े हैं इसलिए बाकी के ले आया। बिरजू कहाँ है? अरे भाई, ऐसे कामों में थोड़ी चुकमुक हो ही जाती है, आप फिक्र मत करो। वेलजी भाई को अगर जब आपने कोई काम सौंपा है तो वो चौकस हो जाएगा। वेलजी भाई, जो काम अपने ठीक समय पर ना हो उसकी अहमियत नहीं रहती। समझ, आपकी जल्दी को मैं समझ गया, आप फिक्र मत करो। कल सवेरे सूरज निकलने से पहले आपका पंछी आपके पिंजरे में बंद हो जाएगा। और अगर ये ना हुआ तो? आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन वेलजी को ललकारो मत। वेलजी के जबान से निकली हुई बात अगर सच न हुई तो आपने जितने पैसे वेलजी को दिए हैं उससे डबल पैसे वो कल आपको लौटा देगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसके कानों तक पहुंचेगी आवाज? बिरजू की। सांप कौन से बिल में छुपा है उसका पता बता। झटका लगाना बिरजू का नाम सुनकर। मुझे नहीं मालूम। भाई का पता बहन को नहीं मालूम? नहीं। तो ये है तो अभी याद आ जाए। पकड़ के रख। छोड़ ना। बहुत दिनों से बिजिया नहीं आया, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कल तक उसका पता जरूर बता दूंगी। जय बाबा चला रहा। माफ करा बहन जी, आपको थोड़ी तकलीफ हुई। मुझे ढूंढ रहा था। हाँ। और तुम पागलों की तरह दौड़ती हुई यहाँ चली आई। अरे इतना भी नहीं सोचा कि वो तेरा पीछा करते हुए मुझ तक पहुंच जाएगा। तूने ठीक सोचा है बिरजू।
वेल जी किसी का भाई नहीं है बिरजू। अगर तेरी बहन बहुत हिम्मत वाली है, मार खाकर भी चुप रही, मगर बेचारी अपने कदमों के निशान नहीं मिटा पाई, अनजाने में तुझे पकड़वाई दी। क्या चाहते हो मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे पकड़वाने के लिए 1 लाख का इनाम ऐलान हुआ है ना, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। चले जाओ यहाँ से। सवाल लाख 2 लाख रुपए का नहीं है बिरजू, सवाल है वेलजी भाई की जुबान का, और ये जुबान हम किसी को दे चुके हैं। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हम तुझे उठा कर ले जाए। एक ही झटके में खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। बिना नाटक किए चल मेरे साथ, चल। हेलो, प्रणाम सेठ। हाँ बोल रहा हूँ। जय बापा जलाराम। मैंने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। सवेरे का सूरज निकलने से पहले मैंने पंछी को पिंजरे में कैद कर लिया। इसका मुआवजा तुम्हें कल पहुंच जाएगा। आपका एक और काम किया है मैंने। वो क्या? तोते को हरी मिर्च खिला खिला कर उसे उगलवा लिया कि कैलाशनाथ का खून उसने किसके कहने पर किया है। कुबेल जी, तुम बाकी बहुत काम के आदमी हो। मुआवजे के साथ मिठाई का डब्बा भी भिजवा दूंगा। जय बापा जलाराम। जय बापा जलाराम।